Tô com ele, né? Vou instalar aí o filho. De onde é? Tem um, né? Deixa eu comprar um pão, elas queiram tomar. Olha, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुलिस्तान लाइव नशरियात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम। आपका मेज़बान तीर मुजफ्फर और मेरे साथ है मेरे कैमरा पर्सन मीर तारिक। अपना तो काम है जलाते रहे चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। नाज़रीन मोहतरम, बिल्कुल इस ठिठरती हुई सर्दी में इस वक्त मौजूद है कुमार महला अडीगाम कुकरना, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं मर्द जन यहाँ पर इस वक्त खड़े। इनकी कौन सी डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन के तय, आइए बात करते हैं। भाईजान आपका इस्तकबाल है गुलिस्तान लाइव फीड में। थैंक यू सर, आपका पहले मैं एक मिनट, इस कड़ाके की ठंड में आप यहाँ पे इस वक्त खामोश एहतजाज कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मुद्दा मकसद क्या है और कौन कौन से ऐसी डिमांड्स है जो आप इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहते हैं? पहले सर तो मैं आपका और गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सर। जब भी हमारा कोई मसला होता है तो आप हमारे मसले को हमेशा उजागर करते रहते हो सर, शुक्रिया। इस बार हमारा मसला क्या है सर, पिछले कई दहाइयों से हमारा जो बिजली का कनेक्शन था वो वहां से आ रही थी, कई कारणों की वजह से। परसों एक गाड़ी आई थी, उसके धक्का लगने की वजह से वो लाइन कट हो गई थी। पिछले 5-6 दिन से हम सफ़र कर रहे थे, हमारा महला सफ़र कर रहा था, बिजली से महरूम था। तो उसके बाद हमने आला हुकाम तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की, डिप्टी कमिश्नर सर के पास गए हैं, उसने लिख के दिया, उसने कंसर्नड अथॉरिटी को ये फ़ोन टेलीफोनिक रब्ता किया। तो फिर यहाँ पे मौके पर जेई साहब आए थे, उन्होंने पॉजिटिव ताउन दिया, उसका भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर उसके भी। तो उसने अल्टरनेट रूट यहाँ से हमें दिया सर, उसने मौके पे हमें यह बता दिया कि हम आपको बिजली के 4-5 खंभे दे देंगे तो आपकी लाइन अच्छे से रेस्टोर किया जाएगा। जी जी, हमारा मुतालबा इस समय यह है कि हमारा जो महला है ये हमेशा हर स्कीम से महरूम रहता है सर, हमारा चाहे वो बिजली की स्कीम हो, चाहे वो लाइटें हो, चाहे वो ड्रेनेज हो, चाहे वो फुटपाथ हो, चाहे कोई भी स्कीम हो, चाहे जो मकान की जो स्कीम आती है गरीबों के लिए, तो कईयों का जियो टैगिंग भी हुई है, उनका भी अपना हक अभी तक अदा नहीं किया गया है। कुल मिलाकर अगर हम यूँ कहें जो बुनियादी मसाइल उसका यहाँ पे फुकदान पाया जा रहा है। बिल्कुल सर, मुश्किलात से आप दो चार हैं। बिल्कुल सर, इस वक्त कौन से ऐसी डिमांड्स है जो आप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहते हैं? हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये इल्तिजा आपके माध्यम से करना चाहते हैं सर, हमारी जो फिलहाल जो हमारा प्रायोरिटी है वो बिजली की प्रॉब्लम है सर जी। कल अब विंटर आने वाला है सर, कल पशुओं से बर्फ गिर जाएगा वो लाइन पे। हमारे महल में बुजुर्ग ज्यादा है, बच्चे छोटे बच्चे हैं, अगर कल बर्फ गिर जाएगा तो ये लाइन कट हो जाएगी तो हमारा महले को नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, फिर से मैं दिखाना चाहूंगा लाइव तस्वीरें, आप देख रहे हैं इस वक्त कुमार महला अडीगाम कुकरनाक से, जहाँ पे आप जो बिजली का निजाम वो किस कदर दुरुस्त आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, आप खुद ही अंदाजा लगा रहे हैं। इसमें कोई दोहरा नहीं है कि एक तरफ सरकार की ये कोशिश है कि हम इस निजाम को दुरुस्त करने के हवाले से मौसर इकदाम उठा रहे हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो की सिचुएशन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं। एक और भाईजान, इनसे जानना चाहेंगे क्या मसला है, तुम्हें इस्तकबाल पन नाव वन तो क्या मसल मोन नाव अब्दुलहद कुमार, बहुत कुमार महला अड़ी गाँव मं रोजान अवन नजर अंदाज कर सोन कुमार महला ये पेटिया काम कर मगर अच्छे तमिक हक मिलान कहें यप बिजली हम प्रॉब्लम तथ मे वन कुलन कुन तार गंडित गुजारिश कर तुंद जरिए हकमन तंग अत वा कि अस ग प्रॉब्लम गई दूर
मजीद नलक सप्लाई आज योत यह रोज त्रे रेत अस पेंडिंग अतनी सी बदकस्मत क्या दलील अत पे सप्लाई अंदर कुन अस दिन कह नपचि जे आर बाजत पे चित बाल्टन बाल्टन से अनान अंदर आब। शुक्रिया नजरि मोहतरम, जहां बिजली की बात हो रही वहां एक और अहम मुद्दा जो कि एसेंशियल नीड है वो है पीने का पानी। मैं अब बता दूं अभी भी मेरी बात हुई है कंसर्न एडब्ल्यू साहब से, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दिया और कहा कि विद इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड जो टीम वो यहां पे पहुंचेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां तक जो ये कनेक्शन है यहां पर ये जो पानी की सप्लाई आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इनका ये कहना है कि यहां से फिलहाल इसको होल्ड पर रखा गया है। किन वजूहात की बिना पे, खासकर जो कुमार महिला है इनकी जो माएं बहने हैं काफी दूर तक इनको इस सर्दी में जाना पड़ रहा है पानी लाने के लिए। लेकिन मैं फिर बता दूं जो कंसर्न एडब्ल्यू है उन्होंने अभी मेरे से बात की है फोनी के लिए, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दिया, कहा कि विद इन शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड जो टीम वो यहां पे पहुंचेगी और इनका जो ये मामला है ये भी हल करने के हवाले से उद्यम उठाएंगे। अब वो भी देखना है वो कब यहां पे पहुंचे, फिर इनसे जानना चाहेंगे। भाईजान आपसे फिर हम बात करेंगे, आपसे फिर मैं बात करूंगा। ये बताइए जो ये पानी की सप्लाई है क्या वजह है कि इसको यहाँ पे फॉल्ट रखा गया है, क्या वजह है आप बताओ जी सर? यहाँ अच्छा प्रणय सप्लाई यप अत प्रॉब्लम ग पत् कर नव सप्लाई करो गाम सरसे तम आई कनेक्ट कर बाजी पे जे आर जन सटम तम लाइन कुन मगर सोन आ पेंडिंग थाना अच्छा अंत गुजारिश मे तम कर मगर यह रोज यह गुजारिश गई ना ब्रोट कह समझ कह नजरअंदाज सर कर अख्तर फुल किस चिले कल जबरदस्त सर्दी बदल क्या मुश्किल तुम्हें माजन सर बाल्टन बाल्टन सारन यस आब खानदारी सत कमजोर मदर मे नौतवान सतान पद बाल्टन बाल्टन अंदर आब पाइप लागन पे अंदर ये पे फीस बह अदा कर मे कह रेत बकाया कह वरी बकाया अमुक बेहतर मजीद ब्या गुजारिश मे सो वीडियो सबस कर अगर एग्रीकल्चर यह लैंडस कर मतलब मरमत कर मे गई त्रे वरी लेखन गुलाम कदर कुमार टू नजीर अहमद वानी ये डलस मे सही आई त्रे लट चटने फिलहाल विकस अहम डिमांड लकन मोज अगर से करो कत मोज तुम इस्तेबाल मुश्किल क्या मुश्किल आब खा सख्ती आब सी क्या डिमांड प्रोग्राम की डिस्टर्ब तो वह सारी बड़ी अथारिटी क्या डिमांड तुम्हें वह नजरि मोहतरम, कुमार महिला के जो मर्दुजन है इनकी ये डिमांड है। मैं फिर से बता दूं जब से यहाँ पे जिला तरक्याती कमीशन अनंतनाग मोहतरम सईद फखरुद्दीन हामिद साहब ने चार्ज संभाला है तो गरीबों ने एक राहत की सांस लिया है, तो हमारी भी मुदमना अपील है उनसे कि वो इन मसाइल की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करें, खासकर इस सर्दी में खासकर जो पीने का जो ये पानी का ये मसला है ये जाया हो जाता है इनके कहने के बाद। आप खुद देख रहे हैं तस्वीरों में, तो मेरी भी अपील है महकमे हादसा से जल शक्ति महकमा जो जिनके जो आला सरबरान है वो इसकी तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करें, खासकर इस ठिठुरती सर्दी में जो हमारी यहाँ की माए बहने हैं इनको काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है, कहीं जो फिसलन है इस वक्त उसके कारण भी अल्लाह न करे कोई अंटवोट होने का एहतमाल है। तो उम्मीद है कि जो जल शक्ति महकमे के सरबरान हैं जिन्होंने हमारे अभी बात की है ये भी हम तवक्को रखते हैं कि वो जल्द अज जल्द यहाँ पे पहुँचे और जो ये मामला है इसको सुलझाने के हवाले से, और खासकर जो मैं दिखाना चाहूँगा जो बिजली का निज़ाम है यहाँ पे कोई डिमांड इन्होंने रखी है, खासकर जो बिजली का निज़ाम है निज़ाम के हवाले से हमारी अपील है पीडीडी डिपार्टमेंट से कि वो एक टीम मुरतब करे और आज खुद दौरा करे कुमार महिला अड़ीगाम कुकरनाग का, क्योंकि इनका ये कहना है कि पता नहीं है कि क्यों हमें यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है कौशर पट वार माजुन सलो क्या तिवन करना। और उम्मीद है प्रोग्राम की वसात से जो हमारे आला जिम्मेदारान हैं महकमे के वो इस मसले को संजीदगी से लेंगे, हमारा कोई शौक नहीं होता है कि अल्लाह न करे हम किसी महकमे को डाउन करें या डाउन दिखाए, वो हमारी कोशिश नहीं होती, लेकिन तर्जुमानी करते हैं हम लोगों की, हम जबान उनकी जबान बनते हैं जिनकी कोई जबान नहीं होती है जिनका कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस प्रोग्राम की वसात से हमारी भी अपील है महकमे
जल शक्ति से या खासकर जो पीडीटी डिपार्टमेंट है, खासकर जो इनकी ये अहम इसमें मुतालबात है। इसके साथ साथ अगर हम ये भी कहें कि इनका ये कहना है कि वाहिद अभी तक यहाँ पे जो रूरल डेवलपमेंट एक शर्त दिया गया अभी तक यहाँ पे ओनली वन, ये तो ये भी एक लम्बी फिक्रिया है वो भी, और जिनकी जियो टैगिंग भी हो गई है अभी उनका भी यहाँ पे कोई पुरसान हाल नहीं है। ये भी मैं बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी उसमें काफी पहल की, कोशिश की, और वो भाईजान भी मेरे साथ है जिनको वो शर्त मिला था, इसका भी क्या कहना है। तो यम सात तथ मुश्किल मसल पोत तो तुम गो मसल हल तम क्या जनाब तुहद वसाद गोस इस गए टन पटन ओरन तक सो तबियल जनाब पे मे बचे जहाज बेहस खानदारि तो तुहद वसाल सो मे मजबूर तुम वन कि तुम आयु मे यो तुम तुहद जरिए सो मे ये शार मे गई बसन सूरत अतर कहावत छल मल मगर तुहद दई खर शुक्रिया जनाब चलो शुक्रिया शुक्रिया खार जनाब वातनस क्या पर्वा। इसके साथ साथ अगर हम इस कुमार महला की बात करें, काफी पसमानदा भी है, गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं, मिट्टी के बर्तन बना रहे बेचारे, और इसी मजदूरी इनका यही जो ये कफालत करने का अहम जरिया है अपने अयाल के लिए। लेकिन यहाँ पे ये एक बात आपसे मैं फिर शेयर करना चाहूंगा कि जो लाइट्स दिए जा रहे हैं महले के लिए वो भी अभी तक यहाँ पे इंस्टॉल नहीं की गई है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जो ये कुमार महला है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो हमने सर्वे की है कि यहाँ पे गुप अंधेरा होता है रात के वक्त, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर कोई यहाँ पे बीमार पड़ जाए, क्योंकि मौसम अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली तब्दील होने वाला है, चले कलान का सीजन इस वक्त चल रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन उस सूरत में अगर यहाँ पे रात के वक्त कोई मामला पेश आए तो उस वक्त ये क्या करे, तो ये कुछ डिमांड्स थी जो हमने इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश की। हमारी कोशिश होती है दिन हो या रात हो गुलिस्तान न्यूज आपके साथ होती है, हाँ पर आपके साथ जुड़े रहते हैं, हर खबर पे हमारी नजर होती है, चाहे मौसम का हाल होता है या अवामी जो मसलों मसाइल है उनको अरबा इकदार या अरब इकदार तक भरपूर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोग्राम की वसात से हमारी भी अपील है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर जो गवर्नर साहब से लेकर जिला इंतजामिया अनंतनाग से, कि वो इनकी तरफ खासकर इनके जो चेहरे हैं मायूस लग रहे हैं, क्योंकि अभी तक इनके साथ इनका जो ये कहना है कि हर वक्त इनको नजरअंदाज किया गया है, इग्नोर किया गया है। तो अपील इनके माध्यम से यही है कि जल्द अज जल्द इनकी जो ये अहम डिमांड्स है, जो ये बुनियादी मसाइल है, इनको सुलझाने के हवाले से मौसर इकदाम उठाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में इनको मुश्किल और दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो बनते रहे गुलिस्तान लाइव फीड के साथ, दीजिए अपने मेजबान पीर मुजफ्फर और मेरे साथी कैमरा पर्सन मीर तारिक को इजाजत। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।